केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टरों की परेड करने का फैसला किया है, जिसके तहत किसानों द्वारा दिल्ली परेड के लिए किसानों के जागरूक करने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत संत बाबा नेता सिंह जी प्रमुख सेवादार गुरुद्वारा गुरसर साहिब के नेतृत्व में समन संगठनों के सहयोग से कृति किसान यूनियन द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। 500 से अधिक ट्रैक्टरों के अलावा कारों का एक काफिला था। किसानों ने कहा कि 23 जनवरी को ट्रैक्टर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जो दिल्ली विखे किसान मोर्चा चल रहा है उस संबंध में पंजाब की धरती से समुचे देश में विदेशों में भी ट्रैक्टर मार्च कटे जा रहे हैं। अज सतगुरु की पाठ कृपा के नाल संयुक्त किसान मोर्चा सरकार इलाका भर की संगत वालों पिंड मधु टिंगे की दाना मंडी तक विशाल ट्रैक्टर मार्च कटिया गया, जिस सैकड़े ट्रैक्टर ने भाग लिया। जो मधु टिंगे तो होंगे तलवंडी चौधरिया टिब्बा खीरांवाली परवेज नगर सुरतपुर सैंपलाबाद तो होंदा होया उच्चा विखे उसकी संपूर्णता हुई, जिन्हों जिन्हों ने अपने ट्रैक्टर मार्च में शामिल किए हैं उन्होंने संगतों का संयुक्त मोर्चे वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अजे गुरु अगे सारे अरदास करो किसान मोर्चा सफल हो जाए तो मोदी सरकार को भी सतगुरु जी समर्थ बख्शिश कर, क्योंकि किसान मोर्चे में संपूर्ण एकता हो चुकी है। हर धर्म हर वर्ग के लोग हर कंट्री के हर सूबे के लोग इस किसान मोर्चे में शामिल हो चुके हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज खेती किसान यूनियन संत बाबा लीडर सिंह जी की अगवाई के मत्थु ढींगे तो लैके तलवंडी चौधरी तो होंगे हुए पिंडा के अच्छ उच्चे दे आके जो ट्रैक्टर मार्च हजारा के करीब ट्रैक्टर सीगा जे अब लोग कट्ठे हो गए पिंडा के जरा 26 तरीक की परेड होनी है उसका सुनेहा दिता कि असी ट्रैक्टर के तैयार बार तैयार बैठे हाँ, दिल्ली के चढ़ने लिए तैयार बार तैयार बैठे हैं। तो यह भी जिन्हें भी लोग घर बैठे आ सो वो तो दिल्ली के पहुंचो, इतने जी 26 तरीक का लाना है कपड़ तरीक मिल गई आ भी आओ, वो जी सरकार आ वह हूँ अपनी झुकन से पूरी तैयार हुई आनू झुका वा वो लिए अपन दिल्ली जाना जरूरी आ, इसके लिए ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज असी इतने किसानी अंदोलन के मद्देनजर जरा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से दिल्ली में परेड करनी है वो संबंध में अज असी एक रिहर्सल रैली कढ़ रहे हैं जी गुरद्वारा श्री सैफलाबाद गुरसर साहब तो शुरू होकर वाया पत्तू ढींगा तलवंडी चौधरिया से इन्होंने पिंडा के हो के लगभग 450 ट्रैक्टर है जो असी रैली कढ़ रहे हैं। ये एक केंद्र सरकार दियां अखां खोलन वास्ते आ कि जिहड़ा किसानां नाल धक्का किया जा रहा उन्हों अपने कानून जिहड़े ओह वापस लै लवे, नहीं तो ये सारे इस तरह ही 26 जनवरी उत्थे दिल्ली में जिहड़ी परेड की जानी है उहदे एक उन्हों केंद्र सरकार को दिखा रहे हैं कि असी जिहड़े किसान आ हुण सुते नहीं हुण जाग चुके हैं, तो साडे असी अपने हक्कां नाल धक्का नहीं होण देणा। पर दूसरी गल यह आ कि जिहड़ी यह हंकारी हुई सरकार आ मोदी सरकार है बिल्कुल पूरी तरह हंकारी हुई आ, लगभग 2.5 महीने हो गए दिल्ली में संघर्ष चल रहा, पर यह सरकार के कन्न ते जू नहीं सरकी। इन्होंने हमेशा ही साडे जिहड़े संघर्ष आ उन्हों होर मुद्दों में इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की। सारे तो पहला जेडे मेहनत कश लोग आ ये उसे दिल्ली के सड़कों के ठंड में रुल रहे हैं बेचारे उसे अपने हकों की यह संघर्ष कर रहे, तो इन्होंने कोशिश की आ कि असी इस मुद्दे खालिस्तानी का मुद्दा दे दिए। पहला ना इन्होंने हर बार किसी ना किसी तरीके इस अंदोलन फेल करने बड़े तरीके वरते आ, सब तो पहला इन्होंने खालिस्तानी मुद्दे कन्वर्ट करने की कोशिश की पर नहीं वो नहीं हो सकिया। फिर इन्होंने हिंदू सिख एकता तोड़न की कोशिश की पर उत्थे भी ये सरकार फेल हो चुकी आ, क्योंकि
हिंदू सिख मुसलमान सारे आपस में भरा वा ते ओ कदी भी एक दूजे नाल धर्म दे नाम ते नहीं लड़दे। इन्हां चो किन्ने ट्रैक्टर दिल्ली जाणगे? ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। 500 ਦਾ 500 ਟਰੈਕਟਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ।